लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट्स को डिस्कस करेंगे पेज नंबर 8 और 9 पे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये डिफरेंस भी आ जाता होता है। ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो होता है कि यानी कि ऐसे दो सेट हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स बेशक सेम ना हो लेकिन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर एक सेट है उसमें अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो जो सेट बी है उसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो सेट बी में 4 एलिमेंट्स हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल भी लिखी हुई है, सेट जे 1, 4, 6, सेट के ए बी सी। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट्स यानी कि जो मेंबर्स हैं ये 1, 4, 6, ए बी सी, ये मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास ये मेंबर्स तो सेम नहीं है ना, ये 1, 4, 6 और ये ए बी सी, ये दोनों तो मेंबर सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। ठीक है, मेंबर एलिमेंट्स बेशक सेम ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इक्विवेलेंट सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इक्वल सेट में देखें तो हमारे पास इक्वल सेट में ये सेम एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जैसे अगर ये था 1, 4, 6 है तो इसमें भी 1, 4, 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एग्जांपल भी इसकी लिखी हुई है, जैसे 2, 4, 6 है, एक सेट है एल जिसमें 2, 4, 6 है, दूसरा सेट है एम, तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो 7 से पहले पहले होने चाहिए, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 में ऑब्वियसली ये 2 के बाद 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 में नहीं आता। इसी तरह 4 के बाद 5, तो 5 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 में नहीं आता। तो इसी तरह अगर हम 2 के मल्टीपल्स देखें तो वो हमारे पास 2 आएगा, 2, 2 ज़ा 4। ठीक है, 2, 3 ज़ा 6, तो यही आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो 7 से आगे तो हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, 2, 4 ज़ा 8 आएगा तो 8 हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी लिमिट्स है यहाँ पर 7 तक। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हम और ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि जैसे एलिमेंट्स इसके हैं वैसे ही एलिमेंट्स इसके भी हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास इसमें 1, 2, 3 लिखा है तो इसमें भी 1, 2, 3 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस के हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट पेज नंबर 9 पे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स से निकला, यानी पूरे कायनात का, यानी कायनात में सब कुछ है, सब चीज़ें कायनात में हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास जे है और ए है, दो सेट हैं जे एंड ए। जे सेट में हमारे पास ये आ रहा है जनवरी, जून, जुलाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ए सेट में हमारे पास अप्रैल एंड अगस्त है। ठीक है, दो सेट हमें गिवन है और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो हमें बताई गई हैं। तो अब अगर हम कहें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा इनका, तो वो हमारे पास यानी ये देखें, ये भी मंथ ऑफ द ईयर है, जो जे सेट में ये भी मंथ ऑफ द ईयर है और ये भी मंथ ऑफ द ईयर है। ठीक है, दोनों मंथ ऑफ द ईयर हैं। तो इसी तरह हमारे पास यू में क्या होगा, हमारा सेट बन जाएगा मंथ्स ऑफ द ईयर, ये देखें। ठीक है, तो ये यू जो है ये लिखने का तरीका है, ये इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, ये तरीका है, जैसे सिंबल होता है यूनिवर्सल सेट का तो हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जितने सेट्स हमें गिवन होंगे, जैसे यहाँ जे और ए दो सेट्स गिवन है, दोनों कवर होंगे यूनिवर्सल सेट में। जो एक यू सेट होगा उसमें हमारे पास बाकी सब सेट्स जो हैं वो कवर होंगे। जैसे यहाँ पर जे में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों एक्चुअल में बिलोंग किससे करते हैं? मंथ्स ऑफ द ईयर से। तो हमारे पास यू कौन सा हो गया? वो मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक सेट ये बन गया जे, ठीक है, एक सेट बन गया ए, ठीक है, और बाकी जितने हैं ये देखें ये यू है। ठीक है, बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे जो मंथ होंगे वो सब इस यहाँ पर यू में आ जाएंगे।
ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ओके okay.